नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको सीएनसी मशीन जो क्या प्राइस में मिलती है और क्या कितने टाइप की होती है, आप देख सकते हैं इनका काम प्रोग्रेस पे चालू है। एक ये भी सीएनसी मशीन है और एक ये भी सीएनसी मशीन है। आज इनके जो ऑल सोलर है उनसे ही बात करते हैं। ये इस भी सीएनसी मशीन के ही पार्ट्स पड़े हुए हैं और जो मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ये अहमदाबाद में है। तो इसकी क्या प्राइस मिलती है और कितने टाइप की आती है वो सभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ दीपक जी चौहान से, जो ये मशीनें बनाते हैं और ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते सर, इस सीएनसी मशीन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये अभी सीएनसी मशीनरी के अंदर बहुत सारी मशीनरी है मेरे पास और मैं खुद यहाँ पे मशीन बनाता हूँ। अच्छा। और यहाँ पे अपना ही पूरा डिजाइनिंग से लेके असेंबली टोटली मैन्युफैक्चरिंग सब यहाँ पे होता है पूरा। हाँ। और इसके बहुत सारी अलग अलग मशीनरी है, जैसे सीएनसी राउटर, सीएनसी डायल मोल्ड मेकिंग है, सीएनसी स्टोन एंगरिंग मशीन है, सीएनसी पैटर्न शॉप मशीन है। हाँ। और इंडस्ट्रियल के लाइन के अंदर भी बहुत सारी मशीनरी है, लेजर है। हाँ। और पैटर्न शॉप के लिए भी बहुत सारी मशीनरी है मेरे पास। तो इसमें कुल मिला के कितने टाइप की मशीन आती है? मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मॉडल है, कम से कम देखने जाओ तो राउटर से लेके बहुत छोटी और बड़ी मशीनरी टोटल मिला के 15 मॉडल है मेरे पास। 15 मॉडल है। हाँ। तो इसमें मार्बल के कितने मॉडल हैं? मार्बल के 4 से 5 मॉडल है मेरे पास। तो जो ये 4 से 5 मॉडल हैं इनकी एस्टिमेट प्राइस क्या रहेगी? स्टार्टिंग होता है सर 5.5 लाख से लेके टोटल 10.5 लाख तक वो टोटल। और मार्बल में सबसे कम रेट की कितने तक है? 5.5 लाख। 5.5 लाख। और वुड में? वुड के अंदर देखने जाओ तो 4 लाख से स्टार्टिंग होती है। 4 लाख से हाईएस्ट? हाँ, 4 लाख से हाइट देखने जाओ तो 9.5 लाख तक। 9.5 लाख तक। और ये लोहे की? लोहे में देखने जाओ तो 5 लाख से स्टार्टिंग होती है, तो 15 लाख तक मॉडल है मेरे पास। 15 लाख तक। तो ये जब मान लो कोई आपके पास आता है यूट्यूब का वीडियो देख के, तो ये इंस्टॉलेशन कैसे होगा? इंस्टॉलेशन कैसे होगा, जैसे अभी मशीन कोई कस्टमर मेरे यहाँ पे फाइनल करके गया, उसके वहीं पे मशीन पहुँच गया, उसके बाद मेरा इंजीनियर उनके वहीं पे जाएगा। उसके बाद मशीन ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सब उनको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा। मशीन के साथ बहुत सारी डिजाइन भी उनको, ऐसे जो रेगुलर यूज होता है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। तो कोई अगर मान लो मशीन लेके जाता है उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है, मान लो कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है, तो उसके लिए क्या सुविधा आपके पास? उसके लिए हम बहुत सारी फोन का भी सुविधा है, इंजीनियर का भी सुविधा है। हाँ। यानी कभी कुछ हुआ। हाँ। तो उनके साल के अंदर हम फ्री सर्विस उनको दे दे, एक साल की फ्री सर्विस। हाँ, एक साल की फ्री सर्विस रहेगी। हाँ। दूसरा के कभी इमरजेंसी कुछ हुआ तो उनको वहीं पे आधे घंटे के अंदर हम फोन सोल्यूशन उनको दे देते हैं, आधे घंटे के अंदर। हाँ, आधे घंटे का, और उनका काम भी खत्म हो जाता है आधे घंटे के अंदर। हाँ। तो उनको भी परेशान नहीं, हमको भी परेशान नहीं, और उनका काम भी फटाक से हो जाता है। अच्छा। जो ये आप मशीनरी यूज करते हो वो कहाँ की? ये सब इसके अंदर सब क्वालिटी अलग अलग है। हाँ। जैसे ताइवान में क्वालिटी है, इटालियन क्वालिटी है। हाँ। दूसरा जर्मन में का मशीन के अंदर जितनी केबल लगी हुई है सब जर्मनी के आइगर्स कंपनी का। तो सब अलग अलग क्वालिटी है। अभी आप जो बता रहे हो वो जर्मन का बता रहे हो, कहाँ का बता रहे हो? अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मशीन के अंदर लगा हुआ है ना। हाँ। वो सब ताइवान में। हाँ। एलेंगाइट रेकेम्पिनियन सब ताइवान में का है, बाकी इसके अंदर जो डायरेक्शन लगी हुई है, जितने केबल लगी हुए हैं, ये सब जर्मनी के हैं। ये सब जर्मनी के। हाँ। जर्मनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, उनका क्वालिटी भी अच्छा है और वो लोग बढ़िया सर्विस वगैरह भी देते हैं। नहीं नहीं, लोग बहुत लेते हैं वो चाइना मेड, वो चाइना मेड में बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं नहीं, जो अच्छा है ये जर्मन में एकदम बढ़िया क्वालिटी जर्मन में। हाँ। और जैसे ये मार्बल का एक 4 लाख से बताया आपने स्टार्टिंग, 4 लाख का आएगा, इसकी क्या साइज आएगी लगभग? वो 4x8 की रहेगी। 4x8 की। और जैसे 200 mm तक का जेड एक्सिस का हाइट आएगा उसके अंदर। हाँ। और जो उससे हाई में ले जाएंगे तो क्या रेट में आएगी वो? सर देखने जाओ, जैसे अभी कस्टमाइज मशीन अलग अलग रहती है। हाँ। तो उस हिसाब से उनको प्राइस और डिटेल वगैरह मिले। अच्छा अच्छा। तो मैं आपके ये अभी एक बार चालू करके देखते हैं मशीन, ये आप चालू कीजिए। इसमें आजकल LED सिस्टम आ गया ना? हाँ, अभी एक नया मॉडल है उसमें सब LED सिस्टम आ गया पैनल के साइड में। ये इसका पैनल है। ये अभी ये DSP कंट्रोलर है NK105। हाँ। और यहाँ से पूरा XYZ ओरिजिन और स्पिंडल ऑपरेटिंग रन करने का वो सब यहाँ से हुएगा पूरा। हाँ, जैसे वाई माइनस वो सब आगे पीछे। और अपने पास इसमें क्वालिटी ये वाला अच्छा है, जैसे अपने देखने जाओ तो सब लोग चाइनीज कंट्रोलर देते हो, और मेरे यहाँ पे विहोंग कंपनी का कंट्रोलर ये लाइसेंस वर्जन जेन्युइन आएगा। हाँ।
कोई पायरेटेड वर्जन नहीं है इसमें, और मेरे से ज़्यादा डीएसपी कंट्रोलर में बहुत मशीन गए पूरे डीएसपी हाँ कंट्रोलर में। इसमें स्पीड वगैरह सब अच्छा मिलता है, क्वालिटी में इसके अंदर ज़्यादा मेंटेन होता है पूरा। ये आर टी लेकर का वो आपकी कंपनी का नाम है? हाँ ये कंपनी का नाम है। ये देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा इसमें प्रोग्रामिंग सेट है क्या डिजाइनिंग का? अभी थोड़ा मैं डिजाइनिंग भी करके बताता हूँ इसमें। इसमें फास्ट और स्लो कोई मशीन आती है क्या? हाँ इसमें भी अलग अलग स्टेपर सर्वो और एक दूसरा भी लेटेस्ट में निकला हुआ इजी सर्वो करके एक दूसरा मॉडल भी है। हाँ वो भी फास्ट और स्लो यानी अच्छा रहता है उसके लिए भी। तो उसमें आप कस्टमर को पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे? हाँ करवा देंगे। ये फास्ट वाला स्लो वाला ये भी सर्वो मशीन है, स्टेपर मशीन है, लेकिन इसकी क्वालिटी स्पीड बहुत अच्छा है इसके अंदर। हाँ इसका क्या प्राइस बताया आपने? इसका प्राइस स्टार्टिंग इसकी प्राइस 475,000। 475,000। हाँ ये कितने देर में बना लेगा? एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर नहीं, ये जो डिजाइन है वो कितना टाइम बना देगा? ये अभी इसके अंदर टाइम दिखा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट ऊपर जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा 5-6 मिनट। इसके अंदर टाइम का शेड्यूल भी बता दें। हाँ ये टाइम बता देता है, टाइम भी बता देता है, यहाँ पे लाइन नंबर सब लिखा रहता है। हाँ। और जो फाइल आपने लोड की है उसका नाम भी लिखा हुआ है, श्री गणेश करके। हाँ ये जो आप डिजाइन कटिंग देख रहे हैं वो सेम मार्बल में ऐसा ही है। हाँ, खाली मशीन चेंज हो जाएगा, मशीन चेंज हो जाएगा। इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई आदमी चाहिए? वो तो हम सिखा दे उसके लिए, कोई हाँ, भी आदमी हो ना। हाँ उसको सिखा देते हैं हम पूरा। अच्छा सिखा देते हैं आप? हाँ आठ टाइम की ट्रेनिंग वगैरह सब उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आपकी तरफ से कोई जाएगा सिखाने के लिए? हाँ वो जाएगा ना, मेरे तरफ सिखाने के लिए जाएगा। मेरे इंजीनियर जाएगा ना, वो उनको पूरा ट्रेनिंग देगा, जैसे आर्टिंग की डिजाइन कैसे बनाने का, टूडू स्टडी और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करने का, कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करना है, वो सब उनको वो दिखा देगा पूरा। तो दोस्तों ये इस तरह से ये डिजाइन तैयार होती है। सर ये जो छोटी मशीन देख रहे हम, ये किसके लिए बना रहे और क्या काम करेगी? ये CNC मेटल डाइंगरिंग मशीन है। CNC मेटल डाइलिंग? हाँ, जैसे ये ज्वेलरी ये जो बुटिया वगैरह रहती है उसकी डाई बनाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा अच्छा दूसरा कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी रहता है, छोटा मोटा ब्रास, एल्यूमिनियम, SS, WPS का कोई डाई बनाना है तो भी उसके लिए ये मशीन यूज़ होता है पूरा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से अहमदाबाद के अंदर भी बहुत सारी मेरी 15-1 मशीन लगी हुई है वाली, और एक ज्वेलरी लाइन के अंदर भी लगी है, और इंडस्ट्रियल डाई एंगरिंग के लिए भी लगी है, जैसे सीएनसी पेंटोग्राफी की इसको बोलता है, एक दूसरा नाम है इसका सीएनसी पेंटोग्राफ तरीके से, और बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है ये वाला। तो सर अगर मान लीजिए कोई ये सीएनसी मशीन का खरीद के बिजनेस करना चाहे तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? इसका स्टार्टिंग से देखने जाऊँ कि ये मशीन लेगा तो इसकी एक्यूरेसी वो सब अलग है, जैसे वीएमसी रहता है, ये मिनी वीएमसी है मिनी, तो हाँ, इसकी तो लगभग क्या है प्राइस? ये मशीन की 5,75,000 से स्टार्टिंग होती है। 5,75,000 से? उसमें भी 2-3 अलग अलग मॉडल है मेरे पास, जैसे 1x1 फीट का वर्किंग साइज ये वाला मॉडल है, तो दूसरा मेरे पास 2x1 फीट वाला भी मॉडल है, दूसरा 2x2.5 फीट वाला भी मॉडल है मेरे पास, अच्छा 3 अलग अलग भी मॉडल है, और इसके अंदर भी कस्टमाइज भी मशीन बन रहा है पूरा। तो दोस्तों मैं इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको मशीन खरीदना है या कुछ भी डिजाइन चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर आप डिस्क्रिप्शन देख लेना, और एड्रेस भी मैं इनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कोई भी काम हो तो आप बेझिझक इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक और ये बन रही है, ये किसके लिए बन रही है सर? ये सीएनसी स्टोन मशीन है। स्टोन मशीन? हाँ, इसमें अभी ये बेसिक हैवी मॉडल है। हाँ, सबसे हैवी मॉडल मेरे पास अभी हैवी मॉडल। हाँ, उसके नीचे भी 2-3 और मॉडल है स्टोन का। अच्छा, तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये देख लीजिए ये पूरी मशीनें बन रही है, और भी 12-15 तरह की मशीनें होती है, तो धन्यवाद।